गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 9th मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 14 स्टेटिस्टिक, एक्सरसाइज 14.4, सम नंबर 2। ये सम नंबर 1 जैसा ही है। इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट गिवन टू 15 स्टूडेंट्स, द फॉलोइंग मार्क आउट ऑफ 100 आर रिकॉर्डेड। बराबर, हमको यहाँ पर मार्क दिए हुए, फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड। बराबर, तो सेम टू सेम पहले हम काउंट करेंगे कितने नंबर है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, हमारे पास टोटल टर्म जो है वो 15 है। बराबर, तो जब हम मीन निकालेंगे तो मीन का फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स वन अपॉन में एन। ये टोटल नंबर जो है उसको लिखेंगे, अपॉन में 15 करेंगे। 15 इसलिए कि हमारी टोटल टर्म जो है वो 15 है। इसको प्लस करने पर 822 अपॉन में 15, तो डिवाइड करेंगे तो 54.8 जो आया वो हमारा मीन आया। बराबर ना, अब मीडियन कैसे निकालना है, तो मैंने आपको बताया हुआ है 15 है, तो 15 जो है वो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर का कैसे निकालेंगे। ऑड नंबर का फॉर्मूला, सबसे पहले तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाते। बराबर ना, ये असेंडिंग ऑर्डर में जमाने पर हमको इस तरह से नंबर मिल जाते हैं 39, 40, 41, 42, 46, 48, 52, 52, 52, 54, 60, 62, 96, 98। बराबर ना, तो यहाँ पर भी हमारी टर्म 15 ही रहेगी। बराबर, अब 15 जो है वो एक ऑड टर्म है, तो ऑड टर्म में जब हम मीडियन निकालते तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है m इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन में 2। बराबर, तो 15 प्लस 1 अपॉन में 2, 15 टर्म, 15 प्लस 1 यानी क्या हुआ, 16 हुआ, 16 अपॉन में 2, तो ये जो है डिवाइड हुआ तो 8 आया, 2 1 2 8। बराबर, तो हमारी 8th टर्म जो है वो कौन सी है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हमारी 8 टर्म क्या है, 52, तो हमारा मीडियन क्या आया, 52। बराबर ना, और मोड हमारा क्या आएगा, सबसे ज़्यादा बार आने वाला तो वो भी 52 है, तो 52 हमारा मोड आया। बराबर ना, सेम टू सेम जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा है वैसा ही सेकेंड है। फर्स्ट में जो था हमारे पास इवन नंबर था और सेकेंड में हमारे पास ऑड नंबर है। बराबर ना, सिर्फ फॉर्मूला ही हमें चेंज करना है, दूसरा सब सेम टू सेम है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूरा होता है।